नमस्कार दोस्तों, HKV शो में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने बहुत से तरह के वीडियो बनाए हैं, बिजनेस रिलेटेड और ट्रैवल रिलेटेड, घूमने के वीडियो। आज मैं आपसे बात करूंगा YouTube चैनल के बारे में। मेरा जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए आने वाले हैं वो मेरा चैनल देखते हैं, पर आज तक मैंने जो जिक्र नहीं किया आपने, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं और जो आने वाले व्यूअर्स हैं, आप लोग सबको ही, जैसे मेरा चैनल है YouTube चैनल, आप भी अपना YouTube चैनल बनाइए। उससे आपके फ़ायदे क्या क्या होंगे आप सुन के हैरान रह जाएंगे। YouTube में आप जो भी आप में योग्यता है, जो भी आप करते हैं, जो भी आप समझते हैं, जिसका आपको ज्ञान है, जो रियलिस्टिक वीडियो, जो सच्चे वीडियो, फेक वीडियो नहीं, सच्चे वीडियो, जो आप जानते हैं वो कंटेंट आप अपना में वीडियो डालिए अपने चैनल में। सपोज़ आप एजुकेशन के बारे में जानते हैं तो उसका वीडियो बनाइए, आप इंटरटेनमेंट के बारे में जानते हैं उसका वीडियो बनाइए, आप व्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग करते हैं डेली, आप उसके बारे में बताइए, आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं उसके बारे में बताइए, आप जो भी करते हैं चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आप गांव से हो चाहे शहर से हो, इससे मतलब नहीं। YouTube एक गूगल का ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है YouTube, जो कि आप अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं। और आप YouTube चैनल जब आप अपना नया बनाएंगे तो आप नहीं रहेंगे। आपको सब क्या है कि आपको लोग, आप अचानक शहर से गांव से हैं तो आपको लोग पहचानने लगते हैं, कि और आपके अगर कंटेंट अच्छे रहेंगे, रियल कंटेंट रहेंगे, और जो भी आप वीडियो डालें उसमें कुछ बनावटी पर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप म्यूज़िक बिल्कुल नहीं डालेंगे, म्यूज़िक आप डालते ही आपका चैनल बेकार हो जाएगा, वो कॉपीराइट आ जाएगा। तो आपको दिमाग से काम लेना है, जो आप जानते हैं उसके बारे में बोलिए। तो मैंने आपसे बोला जैसे टूरिज़्म के बारे में, एजुकेशन के बारे में, आप अपने, मान लीजिए आप गांव से हैं तो गांव के रिलेटेड वीडियो, खाने, घर के चूल्हे में खाना बन रहा है आप उससे बना रहे हैं, उसका वीडियो बना के डाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं उसका वीडियो डाल रहे हैं, और अपने बाग में जा रहे हैं किसी काम के लिए, वो यानी कि व्लॉग टाइप का आप जो काम कर रहे हैं वो आप डालिए वीडियो। क्योंकि जो गाँव के जो वीडियो हैं ये इंटरनेशनल लेवल में बहुत पसंद किए जाते हैं। जो वहाँ का देसी खाना बनाते समय जो वीडियो लोग बनाते हैं तो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल व्यूवर्स हो, आपको सब बहुत पसंद करेंगे। सिर्फ आपका जो कंटेंट है वो बनावटी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए एकदम। आप खेत में हैं, जैसे भी हैं आप बनाइए वीडियो, आप घर पे बैठे हैं अपने घर की बातें बताइए, घर में चूल्हा कैसे है, आपका मकान कैसे है, आप खेत जाते हैं, आप नदियां हैं, झरने हैं, सब कुछ है, आप उस तरह से जो भी है उसका वीडियो बनाइए। आप एजुकेशन के बारे में जानते हैं तो उसका वीडियो बनाइए, आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको खाने का शौक़ है उसका वीडियो बनाइए, घूम घूम के आप यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ये अच्छा क्वालिटी का मिलता है, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, आप उसके वीडियो बनाइए। तो इससे होता क्या है कि आपको ये जो कंटेंट है ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और तेज़ी से आप इस लोग आपसे सब्सक्राइब होंगे और तेज़ी से आपके साथ जुड़ेंगे, आपके व्यूवर्स तेज़ी से बढ़ेंगे। अब YouTube क्या करता है कि आपका जो वीडियो है, आपको पहली बात तो आप पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको 5-6 महीने का पेशेंस, ये नहीं कि आपने वीडियो डाला आपको तुरंत हो गया। आपका जो YouTube का क्राइटेरिया है वो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, जो कि आप में मान लीजिए कि 10-20-25 वीडियो बनाया उसमें एक वीडियो भी आपका वायरल हो गया तो आपका ये आसानी से पूरा हो जाएगा। फिर भी इसको धीरे धीरे ग्रोथ होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है, YouTube के ऊपर रहता है कि ये अच्छा कंटेंट है, इसको वो लोग सजेशन में लाते हैं और लोग उसको देखती है, पसंद करती है और सब्सक्राइब करती है, और आपके व्यूअर्स बढ़ते हैं उसमें। तो कहने का मतलब कि आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो आप काम कर रहे हैं,
पूरा इस पर ध्यान मत दीजिए आप, ये मैं कतई नहीं बोलूँगा। जब आपका चैनल बहुत ग्रो हो जाए, आपको अच्छे सब्सक्राइबर, आपको अच्छे पैसे मिलने, तब की बात अलग है। लेकिन जो आप मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप किसी तरह से बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो आप काम करते रहते हुए आपको एक दो घंटे अगर आप डेली इस पर समय देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, आपको पैसे भी आने लगेगा और आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी यूट्यूब से, जो कि पेंशन की तरह हर मंथ एवरी मंथ में आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो कहने का मतलब कि ये कि आप यूट्यूब चैनल एक बनाइए, ज़रूर बनाइए। आप घर घर में आजकल यूट्यूबर हैं, आजकल हो गए हैं, जो नहीं बचे हुए हैं वो परेशान है कि मैं बनाऊं कैसे, ये कैसे करूं। तो मेरे चैनल में जो मेरे से मेंबरशिप चैनल है मेरा, तो जो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो कमेंट बॉक्स में अगर वो मुझसे पूछते हैं कि मैं ये चैनल कैसे बनाऊं, कैसे ग्रो करूं, तो मैं उसका जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में, चैट करूंगा, लाइव चैट करूंगा, उसके एक नॉमिनल फ़ीस होती है। और इसके साथ साथ मैं आपको अपने आइडिया के साथ साथ जो बहुत से यूट्यूबर हैं जो कि कैसे चैनल बनाएं और कैसे आपको ट्यूटोरियल देंगे, आप कैसे इसको सेटअप करें, जीमेल अकाउंट कैसे खोलें, कैसे चैनल बनाएं, कैसे इसको सेटअप करें, पूरी जानकारी बहुत ही उससे होता है, ये हो जाता है। और आप ये सोचिए कि आपके कोई जानने वाले हैं जिनका यूट्यूब चैनल पहले से है और वो आपको कुछ बता देंगे, हेल्प कर देंगे, ये आप भूल जाइए, ऐसा कोई करता नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि मेरे को यूट्यूब नया चैनल बनाना है तो आपको पहले आनाकानी करेंगे, ऐसा नहीं है, वैसा आता नहीं है, ये होता नहीं है, आपको अवॉइड करेंगे। अगर आप फिर से उनसे पास जाओगे, मेरे को बता दीजिए कि मैं कैसे बनाऊँ जीमेल, कैसे अकाउंट खोलूँ, कैसे ये करूँ, तो आपको बात वो काट देंगे, बात दूसरी बातें करने लगेंगे और कोई हेल्प आपकी करेगा नहीं। इस केस में मैं खुद उदाहरण हूँ। तो आपको किसी भी सहायता, किसी से भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल में ज्वाइन मेंबरशिप ले लीजिए तो मैं आपको बताऊंगा और आपको हेल्प करूंगा कि जो भी यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप अपना नया यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, जीमेल अकाउंट कैसे खोलें और इसमें कितने हज़ार टाइम का वॉच टाइम होता है, कितना सब्सक्राइबर होने चाहिए, कैसे थंबनेल बनाएं, कैसे पिकार्ट से थंबनेल बनाएं, और भी बहुत से ऐप्स हैं जिससे ये आप अपना चैनल बना सकते हैं। और आप एक, मैं ये कहता हूँ कि आप ये चैनल ज़रूर बनाइए, ऐसा मत सोचिए कि नहीं बनेगा, नहीं होगा, नहीं होगा, अब मैं लेट हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी देर सवेर आए, वो पुरानी कहावत है ना, जब भी आए तो वो देर नहीं है, वो पता नहीं क्या है उसमें, तो आप जब भी लौट के आए वो देर सवेर नहीं, कुछ ऐसा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपका मैं प्रोत्साहन कर रहा हूँ, चाहे वो शहरी हो, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे लेडीज़ हों, चाहे औरतें हों, चाहे जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, चाहे बच्चे हों, जिनका इसमें थोड़ा भी सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, तो वो YouTube चैनल ज़रूर खोलें। फिर उसके बाद YouTube चैनल आप खोलेंगे, धीरे धीरे आपको खुद ही नॉलेज हो जाएगा कि मुझे यहाँ से इनकम ऐसे आ रही है, मेरे को ऐसा कंटेंट रखना चाहिए, आप स्मार्ट होते जाएंगे अचानक। क्योंकि जब आपको दुनिया देखेगी, आपके पास नए नए सब्सक्राइबर्स आपके पास आएंगे, आपको कमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके काम की सराहना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप हाँ ऐसा ऐसा बनाइए, ऐसा ऐसा करिए। फिर उसके साथ साथ इंस्टाग्राम में, फेसबुक में जुड़ने के अलग तरीके हैं, वहाँ से भी आपको फॉलोवर मिलेंगे और सब्सक्राइबर मिलेंगे, तो वो एक अलग तरीका है। वो यूट्यूब चैनल जो भी यूट्यूब के बारे में बताते हैं, ऐसा चैनल ग्रो करिए, फेसबुक में ऐसा करिए, इंस्टाग्राम, सब चीज़ किसी भी, आपको कहीं भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए मेंबर्स हैं, या तो फिर और भी जो भी अच्छे जिनका सजेशन है यूट्यूब बनाते हैं, उनका मैं लिंक आपको दे दूँगा जो कि सबसे अच्छे, जो कई लोग तो फालतू की बातें बोलते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो सब गलत बातें। जो भी अच्छे लोग हैं जो कि सही सलाह देते हैं YouTube में चैनल कैसे बनाएं, कैसे ग्रो करें, कौन सा आप कंटेंट रखें जिससे अच्छे व्यूअर आए, उसका मैं आपको लिंक दूंगा कमेंट सेक्शन में, और आप लाइव चैट भी कर सकते हैं मेरे से, मैं उसका जवाब दूंगा, मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब कि मैंने आपको कई सब्जेक्ट के बारे में बताया कि आप ये सब्जेक्ट चुनें और यूट्यूब अपना खुद का चैनल बनाएं। मेरा भी एक चैनल है, आपका भी कल एक चैनल होगा, आप भी कमाई करेंगे, आप भी लोगों आपको भी लोग जानेंगे। मेरे 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 1,10,000 के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स मेरे ढेर सारे हैं जिनका मैं जवाब देता हूँ। आप बिज़नेस रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि भैया ये बिज़नेस करो, इसमें ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा, वो चैनल बहुत चलते हैं। एक बिज़नेस रिलेटेड चैनल, एक इंटरटेनमेंट रिलेटेड चैनल, एक जो व्लॉग है वो बहुत चलता है, और एक गांव के वीडियो, शहर के वीडियो जो कि रियल वीडियो हैं जिसमें रियल कंटेंट है, हैं गांव का, जो गांव गांव घूम के आप बनाइए वीडियो और डालते रहिए, अपलोड करिए, डेली एक वीडियो डालिए, क्या जाता है, तो आपका धीरे धीरे चैनल ग्रो करेगा और आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। क्योंकि जो आने वाला वक्त है और अभी जो वक्त चल रहा है, आपके पास बहुत टाइम है ये सब काम करने के लिए। लोगों की नौकरियां नहीं हैं, कोविड के कारण नौकरियां नहीं हैं, कहाँ काम करने जाएं, क्या करें, जब काम मिलेगा मिलेगा, देखा जाएगा। तब तक कि अपना वीडियो, ये जो यूट्यूब चैनल चालू कर दीजिए आप, आपको पता भी नहीं चलेगा 2-4-6 महीना कब चले गए, आपको पैसा आने लगेगा, एक फिक्स इनकम होने लगेगी। आप जितना अच्छे सब्सक्राइबर आपके पास जुड़ेंगे और जितना अच्छा कंटेंट होगा, जितना आपके पास व्यू बढ़ेंगे, उतने आपके पास क्राउड आएगा, उतने आपके पास सब्सक्राइबर आएंगे, व्यू आएंगे। जब व्यू आएंगे तो आपका चैनल बढ़ेगा, और जैसे ही मोनेटाइज आपका चैनल हो जाएगा, 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम, तो आपको एक मोनेटाइज करने के लिए भी एक उसमें कॉलम आता है कि आप मोनेटाइज हो गए हैं और आपको अब चैनल में आपका जो वीडियो आएगा उसमें ऐड आएगा। यूट्यूब क्या करता है, ऐड देता है, तो ऐड में वो कुछ परसेंटेज अपने पास रखता है, कुछ आपको देता है। जितने भी किसी वीडियो में एक वीडियो ऐड आते हैं, किसी में 2 आते हैं, किसी में 3 आते हैं, किसी में 4 आते हैं, तो वो आपको जो अर्निंग होगी वो आपको यूट्यूब के ऐड से होगी। फिर आपका चैनल ग्रो करेगा, फिर उसमें बहुत से ऐसे ऑप्शन आते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है कि हाँ भैया मेरा ये प्रोडक्ट है, आप स्पॉन्सर्ड कर दो तो आपको पैसा देंगे। फिर आता है एक ज्वाइन बटन आती है, उसमें आप ज्वाइन करेंगे मेंबरशिप चैनल बनने के, उससे पैसे आपको मिलेंगे। कहने का मतलब कि आपकी जो शुरुआत होगी यूट्यूब, जो वीडियो चलते हैं उसमें ऐड से, उससे आप अर्निंग कर पाओगे। वो धीरे धीरे अर्निंग करते करते आपके पास खुद ही इतना दिमाग डेवलप हो जाएगा कि मुझे और अर्निंग इस यूट्यूब चैनल से कैसे कैसे हो सकती है। और जहां आपको दिक्कत आएगी, आप मेरे अगर चैनल में मेंबरशिप बन जाएंगे तो जो भी आप चैट करेंगे, पूछेंगे सवाल, उसका मैं जवाब दूंगा। क्योंकि पहले मेरे को भी कुछ नहीं आता था, वो धीरे धीरे मेरा डेवलप हो गया। मेरा लगभग 2 साल हो गया है चैनल खोल के, मेरे 1,00,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, तो अपने आप नॉलेज होता जाता है। आपको किसी भी चीज़ से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके सब चीज़ यूट्यूब, गूगल ने ऐसा एक इनका ऐप है, ऐसा इनका वो है कि आप बटन दबाइए, उनसे कुछ पूछिए तो आपको सारे ट्यूटोरियल आ जाएंगे, कैसे करना है, क्या करना है, क्या किसी भी रिलेशन में। तो ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में वीडियो रहा। मैं आपको प्रेरित करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आप यूट्यूब बनाइए। इसलिए मेरे को अभी जो बेरोजगारी चल रही है, हर जगह मारामारी है, लोग पैसे की तंगी है, पैसे की दिक्कत है, तो क्यों ना आप यूट्यूब से एक शुरुआत करें, और आपको डॉलर के रूप में पैसा आएगा। जो डॉलर आपको जो अर्निंग होगी वो डॉलर के रूप में होगी, इंडियन आपके इंडियन जो बैंक खाता है उसमें पैसा डायरेक्ट आएगा। कहीं भी आपको किसी से गिड़गिड़ाने आने जाने के नहीं, यूट्यूब का गूगल का बहुत बड़ा हिसाब है, एकदम एक एक पैसे का हिसाब वो करके आपके अकाउंट में पैसा डालते हैं। महीने में 24-25 तारीख को हर महीने में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। धीरे धीरे आपका चैनल बढ़ता जाएगा, ग्रो कर देगा, आपका अर्निंग बढ़ती जाएगी। जितने आप वीडियो डालेंगे उसी हिसाब से ऐड बनेगा और आपको अमाउंट मिलेगा, आपके खाते में पैसा आएगा। तो मेरी सबसे यही कहना है कि जिनके पास यूट्यूब चैनल नहीं है वो अपना यूट्यूब चैनल बनाना शुरू करें और एक्स्ट्रा इनकम वहाँ यूट्यूब से अर्न करें, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें और इससे लाभ लें। जब आपको मिला है मौका तो आप लाभ लें। तो ये मेरा जो वीडियो यूट्यूब के बारे में था, चैनल आप कैसे बनाएं। बाकी आप मेरे चैनल में मेंबर जब आप बनेंगे तो आपको इसके रिलेटेड जो भी आपको पूछना रहेगा वो मेरे मेंबर
बनने के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी चीज़, आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, घंटी और ज्वाइन की बटन दबाइए। तो ये 3-4 काम करने से आप मेरे से हमेशा जुड़े रहेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे चैनल को मेंबरशिप बनिए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।